नगर पंचायत में यही घर सामने जनता की जो है तीन कोटी बना देना सामने आए हुए हैं जिनका आवास जो है अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और उनका घर जर्जर है, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनोज है। हाँ, क्या समस्या मेरे, आपकी? मेरी समस्या यह है, कॉलोनी मेरी तीन बार फार्म डरवाए, मेरे फार्म तीनों भी कैंसिल कर दिए। अच्छा जी, क्यों कर दिया? किसी ने पैसा मांगा? जी पैसे वैसे की बात ही मुझसे नहीं की गई। जब हमने फार्म डरा वहाँ गए तो बोल रहे थे आ जाएगी, मेरे आवास आज भी नहीं है। और जिनकी कॉलोनी आई पैसा मांगा के बोलिए ना, आप लोग जब काम होगा तो कोई नहीं बोल पाओगे। बात करना करो भाई। हम इस समय जो उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के सिंगाई ये जो है माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी तक जो मौजूदा चेयरमैन रहे हैं उनके द्वारा यहाँ की स्थिति हम अवगत कराना चाहेंगे। हमारे जो है कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर क्या स्थिति है इस समय। वार्ड नंबर 4 बहुत अच्छा यहाँ पे देखो, हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है अंडिया भर का नल भी लगा हुआ है और यहाँ जो है ये देखें बहुत बड़ी बीमारी फैलने की संभावना है। आओ आ सब लोग आ, हे आयो सब लोग आ भैया। अरे आए आए सब लोग आ जाओ। पूरी नाली भरी पड़ी आज बात। वहाँ तक का ले लो भैया, वहाँ तक का ले लो। ये तने पूरा पानी आवा से कन्या गाँव के कैसे हम लोग गुजारा करी थी। चले आओ यहाँ से। हम इस समय जो है जनपद लखीमपुर खीरी के सिंगाई पंचायत में खड़े हुए हैं। इस समय नगर निकाय चुनाव जो है नज़दीक आते जा रहे हैं और हमारे सिंगाई से जो है हमारे राजू भाई को जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब इन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं के दल बल के साथ मैदान में आए हैं, बिल्कुल फूका है। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि आप पंचायत की जनता के लिए क्या क्या अपने मंसूबे लाए हैं, क्या क्या इनके लिए जो है आप समस्याएं इनकी हल करेंगे, जैसे बिजली है, पानी है, नाली है, सरंजा है और डमरू है और शहर में जैसे यहाँ मोहल्ले में बारात वगैरह होती है उसमें बारात घर हैं या नहीं है मोहल्ले में, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? राजीव जी बताएं आप, क्या आपकी जो है वरीयता होगी जनता के लिए? देखिए मेरी जनता के लिए सबसे पहली ये हमारा जो भड़ौरा वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2, ये तीन वार्ड हमारे इसमें भड़ौरा में रहते हैं। अत्यंत यहाँ पे गरीब व्यक्ति रहते हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं।
मेरी प्राथमिकता है भड़ौरा वालों के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे मारी स्नान की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। उसके बाद इतने तीनों वार्डों में यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, भड़ौरा वालों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था करूँगा। उसके बाद सबसे पहले जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, जो लोग दिन भर मजदूरी करने वाले लोग अपने खेतों को बचाते हैं, रात में खेतों को बचाते हैं, जिनसे कई आपदायक घटना भी हो जाती हैं, मैंने इन सारे मुद्दों को रखा है। मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा और यहाँ के लोग मुझे भली भांति जानते हैं। मैं यहाँ पे 25 साल से व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने हर जोल जुल्म के टक्कर में मैंने गरीबों का साथ दिया है। मैं उनके लिए हमेशा समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे संघर्ष करूँगा। सिंगाई में ना तो कोई महिला डॉक्टर है, सिंगाई में कॉलोनी के नाम पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये गरीबों से वसूले गए हैं। तमाम गरीबों के साथ जिनको कॉलोनी मिलनी चाहिए थी उनको अभी तक कॉलोनी नहीं मिली। जिन लोगों के 3 मंजिल मकान थे, 2 मंजिल मकान थे उनको कॉलोनियाँ दी गई हैं। मैं अगर जनता ने मुझे इस बार अपनी बात दो सौंपने का काम किया तो मैं जनता के लिए संघर्ष करूँगा, अपने खून का एक एक कतरा उनके नाम करने का काम करूँगा, उनको न्याय दिलाऊँगा, उनके लिए संघर्ष करूँगा। अब हमारे सामने एक बात यहाँ खुल के आई है कि इस नगर पंचायत में आवासों के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस पंचायत की जांच लगवाने की जो है कृपा करें। और हम अब हम अपने जो वार्ड में खड़े हुए हमारे मौजूद जनता है, जनता से की भी हम कुछ राय लेना चाहते हैं। बताएं कि आपके नगर में पंचायत का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जो कि जो काम नेताजी ने बताया, अगर ये काम होते तो आज नेताजी को कहना नहीं पड़ता है। अगर ये काम हुए होते तो नेताजी को कहना नहीं पड़ता। जो जरूरी काम ये नहीं है, शमशान घाट जहाँ पे ले जाओ वहाँ कहा जाता भैया ये तो मेरा खेत यहाँ क्यों, इसको हटाओ हटाओ ले जाओ कहीं फूको जाके। तो अभी तक नहीं हुआ। जब कंप्लेंट भी किया था, नपवाई भी करवाई, उसके बाद में 29 नंबर केवल निकले, जबकि नंबर तमाम बड़े नंबर सब होल्ड लगा है। मरघट पे भी होल्ड लगा है कि मरघट का नंबर न खुलने पाए। हमारे इस समय ये जो नुक्कड़ सभा हो रही है इसमें तमाम लोग मौजूद हैं, तो हम अपने जो है एक भाई हमारे खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी इनायत अली। इनायत अली, ये बताएं कि जो आपके यहाँ एक समस्या आ रही है कि ये मरघट नहीं बने हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिंगाही की क्या क्या समस्या आपको हम बताएं? सिंगाही के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी है कि कहने का कोई जवाब नहीं। हमारा नेता राजू गुप्ता जैसा हो तो ये समस्याओं का हल होगा, वरना हल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हम अपने जो है किसी भाई से पूछना चाहेंगे, जो जो यहाँ आवासों में भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए क्या आप लोग चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसकी जांच होना चाहिए। हाँ, इस पर जांच होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार जो जिन लोगों ने किया है, जिन सभासदों ने किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को न्याय मिलना चाहिए। पब्लिक लाइफ से बीकर सिंह, जनपद लखीमपुर।